पे आती हूँ, इतना टैलेंट देखते हैं हम, और आप तो मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, आई डोंट थिंक आई एम केपेबल, लेकिन इतना टैलेंट देखते हैं कि ऐसा लगना शुरू हो जाता है हम कुछ नहीं हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम में कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा यूजलेस फील होना शुरू हो जाता है। बहुत अच्छा गाया यार, आउटस्टैंडिंग गाया, सुपर फैंटास्टिक हिस्टोरिक। थैंक यू सो मच सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम पंकज कुमार है। अच्छा, कहाँ से आप? आपको तो पता होगा सर, मैं इससे पहले शो में आया था, तो मैं उस समय आपको बोला था कि मैं बिहार के एक छोटे से गांव से हूँ। आप क्या करते हैं? सर आपको पता होगा कि हम एक गरीब है और पेट पालने के लिए किसी से कर्जा लेकर खेती करते हैं। आप किसान हैं? हाँ सर, किसान तो हैं, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति आ गई है हमारे ऊपर और उसी में कर्ज लेकर खेती करते हैं, और बिहार में बाढ़ आने से पूरी फसल डूब जाता है सर, जिसके कारण कर्ज वाले को पैसा नहीं देते हैं, तो वो हम लोगों को बहुत गाली देता है और बहुत टॉर्चर करता है। क्या बात है यार, ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब देश के अन्नदाता किसान है हमारे। अन्नदाता तो है सर, लेकिन बारिश होने के कारण, बाढ़ आने के कारण पूरा फसल डूब जाता है और कर्ज देने वाले से बहुत ही ज़्यादा गाली सुनते हैं सर, इसीलिए इंडिया आइडल में आए हैं कि कुछ अच्छा गाना गाएंगे और उससे जो पैसा मिलेगा तो कर्ज वालों को सधा देंगे। तो बहुत अच्छे रहे हो सर, हम गरीब हैं इसीलिए फटे हुए कपड़ा पहनकर यहाँ पे चले आए, क्योंकि फसल डूब जाता है तो नया कपड़ा खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है मेरे पास। आपको ये अच्छा लगा मेरा फटा हुआ शॉट, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतनी दूर भी आए हो तो हमारी मतलब दिल से आपके लिए बेस्ट विशेस हैं। थैंक यू सो मच सर। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। शरीर में सांस चल रही है तभी हम आपके आप हमारे कहना है, हो जब तलक ये साथे है तब तलक ये रिश्ता है। शरीर में सांस चल रही है ना, कोई हमारा माँ, कोई हमारा बाप, कोई मैं किसी का बेटा, किसी का भाई, लेकिन सांस रुक जाएगा रिश्ता छूट जाएगा। सांस रुक जाएगा रिश्ता छूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया सोच रहे कि मैं ले जाऊंगा, उनके लिए कहना है कि फूल पर सोने वालों से
फूल पर सोने वालों कब्र में तुझे सेज नहीं मिलेगी, ओ फूल पर सोने वालों कब्र में तुझे सेज नहीं मिलेगी। और मैं चैलेंज करता हूँ कमा के रुपया कहाँ ले जाओगे, चूंकि कफन में तुझे कभी जेब नहीं मिलेगी। मरने के तुझको कोई रख न पाएगा, बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, ओ तू तेरा ही खाएगा। कहना है कि जिंदगी तेरी गुजर गई, क्या मिला तुझे इस मंजिल में, जिंदगी तेरी गुजर गई आते आते। शमशान के बाहर लिखा था, जब वो मर के गया ना शमशान, तो लिखा था कि मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, जब तुझको जला दिया अपनों ने तुझे जाते जाते। और मैं कहता हूँ कि जो लेके आया हूँ जरूर लेके जाएगा, जो रोज भजन करेगा, जो रोज सच्चा दिल से सच्चा कामना सोचेगा दूसरे के प्रति, जो ईर्ष्या द्वेष भावना नहीं रखेगा, और जो दोनों हाथ उठा के ताली बजाएगा, दोनों हाथ उठा के जो ताली को बजाएगा, बस वक्त आखिरी तुझको यही साथ जाएगा, वक्त आखिरी तुझको यही साथ। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। की वजह से तुमने उस गाने को चार चांद लगा दी। टू गुड, टू गुड, टू गुड। तालियों की तरफ से हाँ है और गोल्डन टिकट प्लेज। कोई ऐसा इतना अच्छा कैसे गा सकता है? मुझे ना सच में ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसे रियलिटी शोज पे आती हूँ, इतना टैलेंट देखते हैं हम, और आप तो मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, आई डोंट थिंक आई एम केपेबल, लेकिन इतना टैलेंट देखते हैं कि ऐसा लगना शुरू हो जाता है हम कुछ नहीं हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम में कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा यूजलेस फील होना शुरू हो जाता है। बहुत अच्छा गाया यार, आउटस्टैंडिंग गाया, सुपर फैंटास्टिक हिस्टोरिक। थैंक यू सो मच सर। अरे वाह, जोरदार तालियां हो जाए। सबसे पहले आपको नमस्कार मैम।
नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सारेगामा पा में, मेगा ऑडिशंस में। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमें सारेगामा पा का मुख्य अतिथि समझे और मुझे इस मंच पर बुलाया। मुझे तो ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज मैं इस इंडिया आइडल में के मंच पे खड़ा हूँ, और इसके पीछे का कारण है मेरी माँ का आशीर्वाद, ऊपर वाला की दुआ और आप सभी का साथ, जो इस इंडिया आइडल पे गाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बस आप लोगों के कारण। और मैम, मेरा ऐसा हालत था कि मैं क्या बताऊं, मेरा ऐसा हालत हुआ था कि न खाने का रोटी था, न सोने का बिस्तर था, और क्या बताऊं, और मेरे दिल में इतना जज्बा था कि मैं इंडिया आइडल में जाने का प्रयास किया, और मुझे गाना भी थोड़ा बहुत आता था, लेकिन इतना प्रयास करने के बावजूद मैं इस मंच पे नहीं आ पाया, लेकिन बस आप लोगों के पास ये हमारी खबर गया, और मेरी गरीबी के कारण आप लोगों ने इंडिया आइडल में आने के लिए आप लोगों ने निमंत्रण पत्र हमारे घरों तक पहुँचाए, और आज मैं आप लोगों के बीच खड़ा हूँ। वैसे में तो सर, हमें इस मंच पे औकात ही नहीं है कि मैं यहाँ आ सकूं, और गरीब को तो आप लोग जानते हैं कि नीच दिखाने की प्रयास करते हैं गांव में। जो अभी आपने बात कही ना कि औकात नहीं है, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए आपको, बिकॉज हर इंसान जो ईमानदारी से, मेहनत से आगे बढ़ना चाहता है। अगर सर आप लोगों के जैसा अगर सोच सभी को होता तो इस भारतवर्ष में न कोई भूखे रह पाता, और ना ही कोई गरीब रह पाता, और ना ही कोई ऊंच नीच का दर्जा किसी को दे। कि औकात की तो बात ही नहीं हो सकती है, उसकी औकात बहुत ऊंची है। जाति धर्म के नाम पर आज भी हमारे समाज में कुछ लोगों को उपेक्षित किया जाता है, जो कि हमारे इस विकसित समाज का एक कड़वा सच है, और इंडियन आइडल ऐसी मानसिकता का विरोध करता है। ऐसा गाओ कि दुनिया याद रखे, और घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। शुरू। ओके सर, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एब्सोल्युटली अ फिनाले परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। माइंड ब्लोइंग मैन, आई लव यू यार, आई लव यू मैन, व्हाट अ वॉइस, क्या आवाज है यार। ऊपर नीचे एकदम बहुत जबरदस्त, मेरे को बहुत अच्छा लगा। जैसे आपने जब गाया तो आप ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहिए, और ये आके ले जाइए। नमस्ते मैम, नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते। क्या नाम? मेरा नाम पंकज कुमार है। आपकी उम्र क्या है? सर मैं 22 साल का हूँ, और मैं बिहार के एक छोटा सा गांव से हूँ। अच्छा, गाना सीखा कहाँ से आप? और सर मैं गाना सुन सुन कर सीखा हूँ, और ज्यादातर हम सानू दा के गाना सुनते हैं। मैं हर वक्त गाना गाता रहता हूँ, और लोग मुझे मजाक उड़ाते हैं, क्या मुझे गाना गाने का कोई हक नहीं है क्या? है, बिल्कुल है। क्या गाने वाले हो आज? सर आज मैं एक बहुत ही अच्छा हिंदी सॉन्ग सुनाने वाला हूँ, लंबी जुदाई। वही गाना सुनाऊंगा मैं। ऑल द बेस्ट। मुझसे बयां चाहा मैंने ना किया है, पर एक लम्हा ना तेरे बिन जिया। जाना मैंने जाना ये दिल आज़माने से, प्यार छिपे ना
प्यार छिपा ले। चन्ना वे चले आना जा। क्या बात वाले तेनू पिंड दिया गलियां पुकारेंगी तेनू बागा विच कलिया
संग लड लड़ावा रे, तेरे संग लड लड़ावा, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। सपने होते हैं अपने।
लिया